अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। इन डिज़ाइन में उर्दू टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होना ज़रूरी हैं। उसमें नंबर वन, मिडल ईस्टर्न वर्जन जिसको हम पहले इंस्टॉल करना सीख चुके हैं। इसमें उर्दू टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए कुछ बेसिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें दूसरे वर्जन में नहीं मिलते, जैसे बाइंडिंग ऑप्शन, डायक्रिटिक पोजिशनिंग, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ऑप्शन जो हमारे पास यूरोपियन या अमेरिकन वर्जन में देखने को नहीं मिलते। सेकेंडली कीबोर्ड, आप फोनेटिक कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इट्स गुड, इन दोनों में शायद ही कोई फ़र्क हो। उसके बाद फ़ॉन्ट्स, उर्दू के फ़ॉन्ट्स, अगर आप उर्दू पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट नस्तालीक है। इट कैन बी जमील नूनी नस्तालीक, अलवी नस्तालीक, मेहर नस्तालीक और नफीस नस्तालीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट टूल और करेक्टर पैनल की सेटिंग्स को देखेंगे। सो बी विद मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।